बहुत ही सत्कारयोग साड़वीरों तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल उत्तम खेती पंजाब दे विच स्वागत है। मैं डॉक्टर अमरीक सिंह जिला सिखलाई अफसर गुरदासपुर। जिवें कि तुहानू पता ही है कि असीं वख-वख समें ते वख-वख विषय नाल संबंधित वख-वख माहरां राहीं जिहड़ा वा जानकारी जिहड़ी है तुहाडे तक पहुँचाउंदे रहिंदे आ, तां जो ओह जानकारी जिहड़ी आ तुसीं अपने खेतां दे विच लागू कर सको, लागू करके ते अपनी खेती लागत खर्चे घटा के ते अपनी आमदन दे विच वाधा कर सको। सो अज दा साडा विशा है कि झोनी दी पनीरी दे विच लोहे दी घाट ते उहदी पूर्ति आपां किवें करनी आ। पंजाब सरकार वल्लों पंजाब दे विच ही झोने दी लवाई दे जिहड़ियां वख-वख समां निर्धारित कीता गया वा, जिस दा मकसद इह है कि जमीन हेठले पानी दे जिहड़ा पद्धर जिहड़ा वा लगातार थले जा रहा उहनूं आपां रोकीए ते बिजली दी रोक जिहड़ी घाट आ उहनूं वी आपां जिहड़ा वा उह ना आउण दईए। सो इस करके ये जिहड़ी जो निर्धारित समां कीता गया वा उस अनुसार ही आपां जिहड़ी लवाई करिए, ना कि आपां किसे दे लग के जां वेखा वेखी जिहड़ी आ उह पहलां जिहड़ी लवाई शुरू कर दईए। सो किसान वीरो, जिवें कि पिछले दिन देखिया गया कि कुछ किसानों के जिहड़े आ उह टैलीफोन भी आ रहे हैं कि कुछ जमीनों के जिहड़ी कुछ रेतलियां ने, कुछ हल्कियां जमीनों ने जिते पानी नहीं खड़ता, जां कुछ जिहड़ियां ने कराई दीआं जमीनों ने, जां कुछ जिथों मिट्टी चकाई गई आ उत्थे जिहड़ियां कुछ साडी जमी जिहड़ी ताडी पनीरी दा रंग जिहड़ा वो पीला पै गया तौड़ियां दे विच। सो उहदी जिहड़ी पहचान करनी जिहड़ी बड़ी जरूरी है कि आपां उहदी पहचान करिए कि उह क्यों आया। जां ते दो कारण हो सकदे आ, जां ते उहदे विच लोहे दी घाट हो सकदी, जां उहदे विच नीमाटोड दी प्रॉब्लम हो सकदी आ। सो लोहे दी घाट दा वी इक बड़ी वड्डी जिहड़ी आ उह बड़ा जरूरी इक खुराकी तत् आ, क्योंकि ये जिहड़ी खुराकी तत् जिहड़ा लोहा खुराकी तत् आ ये पौधे दे विच क्लोरोफिल संश्लेषण ते प्रकाश संश्लेषण जिहड़ी प्रक्रिया जिहड़ी आ उहदे विच अहम भूमिका निभाउंदा वा। ते सो इस करके इहदी जिहड़ी समें सिर पूर्ति करनी बड़ी जरूरी आ कि तां जो उहदी जिहड़ी साडा जिहड़ी पनीरी दी वाधा जिहड़ा वा उह समें सिर हो सके ते असीं उहदी लवाई जिहड़ी आ उह मिथे निर्धारित समें ते कर सकीए। सो जेकर असीं निशानी दी गल करिए तां इहदे विच जिहड़ी पनीरी दी आ जिहड़ी पनीरी दे पौधे आ जिहड़ी खेत विच आ, चाहे उह कनाल आ चाहे अद्धी 10 मरले आ, उहदे विच देखदे आ कि उह पीलेपन दे विच तौड़ियां दे विच पीलेपन आ। सो जेकर असीं लागे जा के देखिए तां जिहड़े बूटे बूटा जिहड़ा जिहड़ा पीला होया वा उहदे नोकां तों ते उहदे किनारियां तों पौधा जिहड़ा वा उह सुकना शुरू हो जांदा वा, ते जदों ज़्यादा उहदे विच घाट आ जांदी आ जिहड़ा पत्ते जिहड़े आ उह चिट्टे वी हो जांदे आ, उहदी वाधा रुक जांदा वा ते उहदी जिहड़ी जड़ां जिहड़ियां ने उह बहुत ज़्यादा जिहड़ियां ने कमज़ोर हो जांदियां ने। सो इस करके उहदा जिहड़ा वाधा जिहड़ा वा नहीं हो सकदा, ते बाकी जिहदे विच जिहड़ी बिल्कुल जिहड़ियां ने तंदुरुस्त फसल आ उहदा वाधा जिहड़ा हुंदा रहिंदा वा। सो इस करके इस खुराकी तत् दी पूर्ति जिहड़ी आ उह बहुत जरूरी करनी बहुत जरूरी आ कि आपां सही तरीके दे नाल सही मात्रा दे विच इहदी जिहड़ी पूर्ति करिए। कई किसान देखदे आ कि इहदा जिहड़ा लोहे दी घाट दी पूर्ति लई कई इक तरह दी जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने उह किसे दे कहिण दे उत्ते जां किसे डीलर दे कहिण ते जां आंढी गुआंढी दे कहिण ते बहुत वरदे आ, पर उहनूं क्योंकि उहनूं ज्ञान दा घाट होण करके उहनूं पता नहीं हुंदा वी इह च करना की आ। सो पिछले समें दौरान वी सुरिंदर सिंह जिहड़े फार्मर ने उन्होंने अपने खेतों के जिहड़ी लोहे की पूर्ति लई डीलर के कहने उत्ते बहुत कुछ जिहड़ा वा इनपुट जिहड़े वरते आ, उन्हों तो आप सुनते हैं कि उन्होंने की वरत्या। भाई पहले तो पा डाया थले, उस बाद चार किलो की थैली आँदी है जिंक की, वो पाई यूरिया मिला के मुड़ के 2 किलो बदान, 2 किलो सल्फर, 2 किलो जिंक वो भी पाई, फिर वो मैगनीशियम का पैकेट एक पाया, कोई नहीं करा। जगह वो तुहाडे सामने होनी है, 7-8 मरले 8-10 मरले। सो तुसीं आप सुने ही है कि इन्होंने मतलब कि इन्ना कुछ वरतन के बावजूद जिहड़ा वो उहदी जिहड़ी प्रॉब्लम जिहड़ी हल नहीं हुई। सो इस कल जिहड़ा जो देखिया उहदे विच लोहे की घाट आ, तो फिर वो मौके पर जिहड़ा वा वो अहीं 1 किलो लोहा फेर सल्फेट जिहड़ी आ उहनूं 100 लीटर पानी में घोल के तो उन्होंने गोल नूं जिहदे नाल जिहड़ा छिड़का जिहड़ा वा वो कर दिता करवाता, जिहदे नाल कि सब संभावना कि आने वाले थोड़े कुछ दिनों के जिहड़ी है इहदी जिहड़ी हालत जिहड़ी सुधर जाएगी। सो इस वार किसान वीरों, जेकर तुहाडी खेत दे विच लोहे की घाट हैगी आ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਮਾਟੋਡ ਦੇ ਚੋਵੇ, ਨੀਮਾਟੋਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਚਿੱਟੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੁਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਰਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਨਪੁੱਟ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾਈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।